महाराष्ट्र के लिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज महाराष्ट्र के लिए सुपर संडे है। आज महाराष्ट्र की फिजा सियासी रंग में रंगी नजर आएगी क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी समर में दिग्गजों का यलगार सुनाई देगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ताल ठोकेंगी। पीएम मोदी आज उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव में रैली से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे, फिर विदर्भ के भंडारा के जिले के सकोली में दूसरी जनसभा उनकी होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री राज्य में कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद चांदीवली और धरावली इलाकों में भी पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह महाराष्ट्र के कोल्हापुर, कराड़ और औरंगाबाद जिले के लासूर में जनसभाएं करेंगे। वहीं पुणे जिले के शिरूर में रोड शो किया जाएगा। जाहिर है महाराष्ट्र में तमाम सियासी सरगर्मियों के बीच सियासी खुमारी खूब देखने को मिल रही है। दरअसल महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को वोटिंग होगी जिसके बाद नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे और इसी के लिए तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है, चुनाव प्रचार में जुटी हुई है और आज इसी के तहत सुपर संडे रैलियों का कह सकते हैं महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जहां पर कई दिग्गज आज चुनावी मैदान में कूद पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जहां आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे तो वहीं अमित शाह 3 से 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, विशाल रैली भी निकाली जाएगी। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो वो भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते नजर आएंगे, जहां राहुल गांधी आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।